एटीएम मशीन से पैसा कैसे निकलता है, तो सबसे पहले बैंक एम्प्लॉय द्वारा एटीएम मशीन को अनलॉक करके इसके अंदर बने कैश ट्रेस में नोट भर के इसे लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद जब यूजर अपने एटीएम कार्ड को मशीन के इंसर्शन पॉइंट में डालता है तो उसके अंदर लगा सेंसर कार्ड के मैग्नेटिक स्ट्रिप में इंक्रिप्टेड डेटा को स्कैन कर लेता है। अब कार्ड में लगा ईएमवी चिप बैंक के सर्वर से उस डेटा को वेरीफाई करके मशीन का डिस्प्ले यूजर को ऑप्शन सेलेक्ट करने को देता है। अब यूजर द्वारा सारे ऑप्शन सेलेक्ट करके पिन एंड एंटर अमाउंट करने के बाद मशीन के अंदर लगा नोट काउंटर स्ट्रिप यूजर द्वारा एंटर अमाउंट के नोट को कलेक्ट करके कैश करेक्शन पॉइंट पर कैश को बाहर निकाल देता है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।